अपने भाई रवि पूछिए, मगर रवि क्योंकि मेरे मामा के गांव का है तो मेरे को थोड़ी सी ज्यादा आज ये जो जीत है। गोल्डन बॉल के बारे में क्या बोले? देखिए नीरज को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इतना बढ़िया होनहार और हम्बल, आप ये सोचे कि आर्मी का बैकग्राउंड, ये दिखा दिया कि हम ताकत में शक्ति में किसी से कम नहीं। आज 122 की हिंदुस्तान की कंटिंजेंट में 43 खिलाड़ी हरियाणा के, 7 मेडल आए देश के, 1 हॉकी का ज्वाइंट मेडल, बाकी 6 में से 3 मेडल हरियाणा के। 50% 2% आबादी है हमारी, मगर 50% मेडल हिंदुस्तान की झोली में। हमारे भाई नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, रवि दहिया सिल्वर पदक, ये छोटी बातें नहीं है। यानी कि शक्ति में, रेसलिंग में, जेवलिन में शक्ति चाहिए। क्या है हरियाणा की धरती में किसी से कम नहीं है? क्या है हरियाणा की धरती में कि लोग हमारी हमारी बात मत, ये बनवास टूटा है दीपेंद्र जी, ये एक दिन में नहीं बनी बात। आप देखे चारों ओलंपिक खेल पिछले चारों खेलों में कुश्ती का मेडल आया। 2008 में जब अभिनव बिंद्रा जीते थे उस समय सुशील का कुश्ती में मेडल आया। 2012 में योगेश्वर और सुशील दोनों का आया। पिछले ओलंपिक में जब दो ही मेडल आए थे, पीवी संधू का दूसरा मेडल साक्षी मलिक का आया, और ये चौथा ओलंपिक है। हॉकी के बाद आप लोग हमारा प्रचार नहीं करते, हॉकी के बाद अगर कोई एक खेल है और एक प्रदेश है लगातार चार ओलंपिक में मेडल आने का काम किया है। आज दिन है खिलाड़ियों का तो उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मौजूद हैं बिल्कुल पीछे उस गाड़ी के जिसमें बजरंग पुनिया जा रहे हैं। जितेंद्र बिल्कुल अंजना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बजरंग पुनिया एयरपोर्ट से निकलते ही आगे बीच में एयरपोर्ट का जो रास्ता है वहाँ पर